गुड इवनिंग गाइस, लेट्स कंटिन्यू विद थर्मोडायनेमिक्स। पहले हम लोग एक रिवीजन कर लेते हैं छोटी सी कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या क्या देखा है। ठीक है, तो रिवीजन में हम लोगों ने देखा था कि एक है सिस्टम जिसमें हम लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं। दूसरा रहता है सराउंडिंग, एंड सराउंडिंग जो है वो सिस्टम को छोड़ के आजू बाजू वाली सारी चीजें रहने वाली है। एंड इन दोनों को अगर हम लोगों ने कंबाइन कर दिया तो हम लोगों को मिलता है हमारा यूनिवर्स। ठीक है, अब सिस्टम और सराउंडिंग इन्हें सेपरेट करने वाले बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं, वॉल को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। एंड बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी, ठीक है, इट कैन बी इमेजिनरी। अब सिस्टम के हम लोगों ने टाइप देखे थे, नंबर वन था ओपन सिस्टम, नंबर वन वॉज ओपन सिस्टम। ठीक है, अब ओपन सिस्टम में कौन सी चीजों का ट्रांसफर हो रहा था, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मैटर प्लस एनर्जी, इन दो चीजों का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा था। अब सेकेंड वन वॉज क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम में कौन सी चीजों का ट्रांसफर हो सकता है, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बट नॉट मैटर। ठीक है, एंड थर्ड वन वॉज आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम में कौन सी चीजों का ट्रांसफर हो सकता है, तो नाइदर एनर्जी नॉर ट्रांसफर नॉर मैटर। ठीक है, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है, सॉरी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज दो टाइप की रहती है, प्रॉपर्टीज दो टाइप की रहती है। नंबर वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, नंबर वन वॉज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर हम लोग कितना लेंगे उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। इसमें एग्जांपल में अगर देखने जाए तो मास, वॉल्यूम, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सेकंड था इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। इसमें एग्जाम्पल क्या थे, इसमें एग्जाम्पल था डेंसिटी, उसके बाद था मोलार मास, उसके बाद था मोलार वॉल्यूम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, टेम्परेचर, ओके। तो अब एक नोट जो मैं तुम लोगों को लास्ट टाइम बताना भूल गया था, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव। ठीक है, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो, दो एक्सटेंसिव, ये रिवीजन ही है तो अभी तुम लोग वापस अगर नहीं लिख पा रहे हो तो बाद में लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर हम लोग रेशियो लेंगे तो वो इंटेंसिव बन जाती है। फॉर एग्जांपल ऊपर देखो मास है, तो मास और वॉल्यूम इसका अगर हम लोगों को रेशियो लेना है तो हम लोगों को मिलती है डेंसिटी, बराबर के नहीं, तो डेंसिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली तुम लोगों ने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, नंबर ऑफ मोल्स is nothing but mass upon molar mass। ठीक है, तो अगर तुम लोग molar mass find out करने जाओगे तो molar mass is nothing but mass upon number of moles। and अगर देखोगे mass ये एक extensive property है and number of moles ये एक intensive property है, तो molar mass ये intensive बन गया, समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है, लाइकवाइज अगर तुम लोग मोलार वॉल्यूम, देखो हम लोगों ने ये मोल कंसेप्ट में सारे फॉर्मूलास पढ़े,
मोलार वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम मतलब क्या, मोलार वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नथिंग बट 22.4 लीटर, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर होता है, एंड इसके लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या था, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, अगर तुम लोगों को पता होगा, ठीक है, ये एक बार चेक कर लेना, ये मोल कंसेप्ट का ही पार्ट है, तो वॉल्यूम ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इनका अगर रेशियो ले रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों को मिल रहा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है, तो ये तुम लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना ही है, बोर्ड्स में इसका महत्व ज्यादा है, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ फंक्शंस, एंड फंक्शंस भी दो टाइप के हैं, नंबर वन इज पाथ फंक्शन मीन्स व्हाट, विच डिपेंड्स ऑन पाथ। अब ये याद रखना तो एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखना एकदम इजी क्यों है, बिकॉज यहाँ पे तुम लोगों को सिर्फ तीन ही चीजें याद रखनी है, एक याद रखना है W, वर्क डन, दूसरा याद रखना है Q, हीट, एंड तीसरा याद रखना है C, हीट कैपेसिटी, C इज नथिंग बट हीट कैपेसिटी, ठीक है, तो ओके आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है, स्टेट फंक्शन इज द वन विच डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। अब ये पाथ के ऊपर कैसे डिपेंड नहीं करता वो हम लोग देखते हैं। याद रखो कैपिटल क्यू हम लोग हीट के लिए यूज करते फिजिक्स में, कैपिटल क्यू हीट के लिए ही यूज होता है, बट कहाँ पे, फिजिक्स में, यहाँ पे हम लोग स्मॉल क्यू यूज करने वाले, ठीक है, तो आगे स्टेट फंक्शन के लिए ये तीन छोड़ के बाकी जितने भी तुम लोगों को एग्जांपल याद आए वो सारे स्टेट फंक्शन, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी को कुछ अच्छी बुक्स में ई बोला जाता है, ठीक है, अगर तुम लोग कुछ रेफरेंस बुक देखोगे तो वहां पे तुम लोगों को ई दिखेगा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारे के सारे हो गए स्टेट फंक्शन, ठीक है, तो तुम लोगों को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पाथ फंक्शन तीन ही है, वर्क डन, हीट एंड हीट कैपेसिटी, बाकी सारे के सारे स्टेट फंक्शन बन जाएंगे, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। एंड हेल्मोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, बट हेल्मोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को स्टडी नहीं कर रहे, तो अभी मैं लिख के नहीं दे रहा हूँ, ओके अब नेक्स्ट पाथ फंक्शंस के बाद हम लोगों ने देखे थे टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है, अब प्रोसेस कितने टाइप्स की थी, तो नंबर वन वॉज आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब इनिशियली टेम्परेचर अगर जीरो है तो एंडिंग में भी जीरो रहेगा, तो उसमें चेंज आया क्या, तो नहीं, तो चेंज जीरो हुआ, बट हीट वो चेंज हो सकती है, तो हीट इज नॉट इक्वल टू जीरो, टेम्परेचर अगर जीरो है तो डेल्टा यू की वैल्यू जीरो हो जाती है, एंड एंथैल्पी डेल्टा एच की वैल्यू भी जीरो हो जाती है। दिस वॉज आस्क्ड इन जेई 2019, ठीक है, जेई 2019 में पूछा गया था, तो अभी के लिए हम लोगों को एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना ही नहीं है, बट स्टिल अगर लिख के दे रहा हूं तो याद रख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर टू आइसोबारिक, हाँ, और इनके इन दोनों के प्रूफ हम लोग एंट्रेंस के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोगों को बोर्ड्स के लेक्चर में ये इनका प्रूफ नहीं चाहिए। अब आइसोबारिक मतलब क्या, बार मतलब प्रेशर, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, वेरी नाइस, डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग डीपी इज इक्वल टू जीरो भी बोल सकते हैं, डेल्टा किसके लिए होता है, बड़े चेंज के लिए, डी किसके लिए रहता है, छोटे चेंज के लिए, दोनों चेंज जीरो, इसमें चेंज होने ही नहीं वाले हैं। वॉट इज एच, एच इज एंथैल्पी, कौन ये, हम लोगों ने एंथैल्पी बहुत बार पढ़ा है, क्यों ऐसे करते हो तुम लोग मेरे साथ, बराबर के नहीं, एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, कुछ आ रहा है, ओके कंफर्म, हाँ तो ठीक है, अब
dp या फिर डेल्टा p इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग q को qp बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग q को qp बोलते हैं। एंड हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज नथिंग बट एंथैल्पी, ये हम लोग बाद में आगे डिराइव करने वाले हैं, बट तुम लोगों को आगे की चीजें अभी से थोड़ा बहुत मैं जैसे बता रहा हूँ थोड़ा दिमाग में बैठते जाएगा, ठीक है, ये मैं तुम लोगों को आगे डिराइव करके बताऊंगा। अब नेक्स्ट इज आइसोकोरिक। अब आइसोकोरिक क्यूपी, अरे पी मतलब कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, क्यूपी मतलब हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्यूपी मतलब क्या, तो हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, करेक्ट बोल रहे हो, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, वैसे ही तुम लोग डी वी इज इक्वल टू जीरो भी बोल सकते हो, डेल्टा बड़ा चेंज डी छोटा चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम लिख के दिया था वर्क डन का फॉर्मूला रहता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, आज हम लोग सबसे पहले ये डिराइव करने वाले हैं। एंड डेल्टा वी अगर जीरो है तो यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी जीरो, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट चेंज होता है उसे हम लोग दिखाते क्यू वी से, एंड क्यू वी इज नथिंग बट डेल्टा यू, ठीक है, क्यू वी इज नथिंग बट डेल्टा यू, जो हम लोग बाद में डिराइव करने वाले हैं, ये सारी चीजें हम लोग बाद में डिराइव करेंगे, अभी के लिए जस्ट लिख के रखो। क्यू वी मतलब क्या हो जाएगा, तो क्यू वी मतलब हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट वॉज एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, फोर्थ पॉइंट वॉज एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में मुझे बताओ क्या चेंज होगा, यहाँ पे डेल्टा क्यू मत लिखना, यहाँ पे सिर्फ हम लोग लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू जीरो, क्यू क्या आगे डेल्टा नहीं आता बिकॉज इट इज अ पाथ फंक्शन, ठीक है। एंड बट टेम्परेचर का चेंज इज नॉट इक्वल टू जीरो, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है, ओके। तो ये एक है, एंड आगे जाके हम लोग डिराइव करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा यू डब्ल्यू बन जाता है, ये सारी चीजें मैं आगे जाके तुम लोगों को डिराइव करके देने वाला हुआ, ठीक है, बस अभी के लिए मैं तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते जा रहा हूँ। हाँ, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे q इज इक्वल टू जीरो लिखा वैसे ही dq इज इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है, dq इज इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, डेल्टा h क्या था, डेल्टा h इज चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा h इज चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। तुम लोगों को जो भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है ना, ऐसे समझ लो कि ये आगे डिराइव होने वाले, ठीक है, मैं जस्ट एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन अभी से लिखा के दे रहा हूँ तो तुम लोगों को मतलब एटलीस्ट दिमाग में आते रहे कि हाँ अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में W बन जाता है मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है, W क्या बन जाता है, मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है। मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे कि हम लोग जब कोई चीज थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो वो मैक्सिमम बन जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे इट इज रिवर्सिबल एंड कैरिड आउट इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, इट इज कैरिड आउट इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो चलो यहाँ तक इतना ही हम लोगों ने देखा था, जिधर तक मुझे याद है हम लोगों ने लास्ट टाइम ये इतनी सारी चीजें ही पढ़ी हैं, ज्यादा नहीं है, मतलब ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रिवीजन इतनी ही है, ठीक है। नाउ विल मूव टुवर्ड्स वर्क डन, ठीक है, या फिर इसको अलग हेडिंग डालते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। अब देखते हैं किस किस का लॉजिक अच्छा है, तो याद रखो रिवीजन वाला पार्ट तुम लोगों को लिखना होगा तो लिख सकते हो, और मैं सजेस्ट करूंगा कि लिखा करो, उतना हम लोग जितना लिखेंगे ना उतनी हम लोगों को प्रैक्टिस होती है, ठीक है। अभी तक मैंने रिवीजन ही कराई है, तो अगर कोई अभी जस्ट ज्वाइन हुआ है तो तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल। अब प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन हम लोग देखने वाले हैं, तो अब देखते किस किस का लॉजिक काम करता है। मेरे पास एक कंटेनर है, दिस इज माय कंटेनर, ठीक है, ये ऊपर वाला हाथ जो है वो पिस्टन है, पिस्टन का काम क्या है, प्रेशर अप्लाई करना। अब मैं कंटेनर को दबाए जा रहा हूं, तो मुझे बताओ प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है,
कंटेनर को मैं ऐसे प्रेस करते जा रहा हूं तो प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्या लगता है? प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वेरी नाइस। प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम घट रहा है, दिख रहा होगा सबको। अब मुझे बताओ कंटेनर के अंदर गैस है, गैस के ऊपर वर्क हो रहा है कि गैस वर्क कर रही है? मैं इसको ऐसे प्रेशराइज कर रहा हूँ तो गैस के ऊपर वर्क हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द गैस या बाय द गैस? वर्क इज डन ऑन द गैस और बाय द गैस, तो गैस के ऊपर वर्क हो रहा है, वेरी नाइस, ठीक है। तो ऑन द गैस करेक्ट आंसर है सबके, तो गैस के ऊपर वर्क हो रहा है मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस, ओके। अब उसी बदले ये कंटेनर है एंड पिस्टन ऐसे गैस ने उठाना स्टार्ट किया, देखो अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, गैस नीचे से ऐसे धक्का मार रही है। तुम लोगों ने प्रेशर कुकर देखा है या फिर हम लोग जब पानी गर्म करते हैं उसके ऊपर ढक्कन रखते हैं तो ढक्कन हिलना स्टार्ट होता है, तो अब ये अपने आप ऐसे ऊपर ऊपर आ रहा है, तो मुझे बताओ ये पिस्टन उठाने का काम कौन कर रहा है? गैस। तो प्रेशर इज डिक्रीजिंग एंड वर्क इज डन ऑन द गैस या बाय द गैस? नाउ दिस इज बाय द गैस। सबको समझ में आ रहा है, सबके आंसर करेक्ट आ रहे हैं। तो दो टाइप के वर्क है, एक जिसमें प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, वर्क इज डन ऑन द गैस, एंड दूसरा जिसमें पिस्टन ऊपर जाएगा वॉल्यूम बढ़ेगा, वर्क इज डन बाय द गैस, ठीक है। दो टाइप के वर्क्स रहते हैं। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क समझ में आ रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है? प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर कम किया वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो चलो देखते हैं, अभी डायग्राम बनाते हैं। तुम लोग भी डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो। मेरे जैसे डायग्राम बनाना। ये मेरा पिस्टन है, ठीक है, एंड इस पिस्टन के ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ प्रेशर, ठीक है। ये प्रेशर हम लोग बोलते हैं पी एक्सटर्नल, बाहरी प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। और गैस जो प्रेशर देती है, मतलब गैस भी तो अंदर है तो गैस का भी कुछ प्रेशर होगा, उसे हम लोग बोलेंगे इंटरनल प्रेशर। अभी हम लोगों को बाहरी प्रेशर के बारे में सोचना है, ठीक है, अंदर गैस है। अब ये पिस्टन का एरिया था ए, इस पिस्टन का एरिया था ए, बाहरी प्रेशर है पी एक्सटर्नल, एंड बाहर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और पिस्टन ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है। तो पिस्टन नीचे आने के बाद ये उसकी नई पोजीशन है, ठीक है, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ माय पिस्टन। पहले मुझे बताओ वर्क इज डन ऑन द गैस या बाय द गैस? वर्क इज डन ऑन द गैस या बाय द गैस? वेरी नाइस, वर्क इज डन ऑन द गैस, ठीक है। एंड इस वर्क डन में आई गेस मैंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, तो हम लोगों ने इतनी लेंथ ट्रेवल की, ठीक है, दिस इज माय लेंथ, ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। अब मुझे बताओ ये इतना पार्ट वॉल्यूम बढ़ा या कम हुआ? तो आई गेस इतना वॉल्यूम कम हुआ, एंड इसे मैं चेंज इन वॉल्यूम बोल सकता हूँ क्या? डेल्टा वी, देखो फॉलो हो रहा है सारी चीजें, ठीक है, दिस इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम विच इज डेल्टा वी। अब हम लोगों को इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ वो फाइंड आउट करना है। अभी हम लोगों को इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ वो फाइंड आउट करना है। बताओ जरा वर्क डन का फॉर्मूला देखते हैं, फिजिक्स, वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है? वर्क डन का फॉर्मूला इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वेरी नाइस, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तक किसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ प्रेशर, यहाँ पे हम लोग प्रेशर से डील कर रहे हैं ना, तो प्रेशर और फोर्स के बीच में कौन सा रिलेशन है? प्रेशर और फोर्स के बीच में कौन सा रिलेशन है? फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर अपॉन एरिया, बराबर बोल रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो फोर्स इज नथिंग बट, हाँ सॉरी गलत बोल रहे हो तुम लोग, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, ठीक है। वापस एक बार देखते हैं,
देखो ये एक वॉल है एंड यहाँ पे एक गैस का मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे आके ऐसे कोलाइड हो रहे हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल ने इस वॉल के ऊपर क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो अब जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो पूरे वॉल के ऊपर है, बट अगर मैं देखूं तो ये इधर जहाँ पे मेरी फिस्ट बम्प हो रही है उतने स्पेसिफिक एरिया में मैं क्या जनरेट करूंगा, उस उतने स्पेसिफिक एरिया में मैं जनरेट करूंगा प्रेशर, फॉलोइंग और नॉट, ठीक है। तो प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से मैं बोल सकता हूँ दैट फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। एंड फाइनली वर्क डन, फोर्स की वैल्यू हो गई प्रेशर इनटू एरिया, तो वर्क डन इज नथिंग बट प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो आई गेस डिस्प्लेसमेंट मेरा इतना ही हुआ है, तो डी के बदले मैं एल लिखूंगा, तो चल से आई गेस ये चल जाएगा सबको। अब मुझे बताओ एरिया इंटू लेंथ, अगर देखू तो यही है ना पार्ट, एरिया इंटू लेंथ इज नथिंग बट दिस पार्ट, ठीक है। एंड मुझे बताओ ये पार्ट, इसे हम लोगों ने क्या बोला, इसे हम लोगों ने बोला है चेंज इन वॉल्यूम, गेटिंग इट और नॉट, ठीक है। तो एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम एंड यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं वो चेंज इन वॉल्यूम है। तो मुझे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ, आई गेस वर्क डन का फॉर्मूला हुआ प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी। एंड मैंने प्रेशर कौन सा यूज किया था, मैंने एक्सटर्नल प्रेशर यूज किया था, तो वर्क डन का फॉर्मूला हुआ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अरे ये फॉर्मूला समझा ये नहीं, ठीक है। तो ये जरा लिख लो, कंप्लीट करो इसे।
तो चलो आगे बढ़ते हैं। एंड यश करेक्ट बोल रहे हो, बाय आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी डेल्टा वी इज नथिंग बट एन आर टी, ठीक है, बट वो हम लोग आगे जाके डिराइव करने ही वाले हैं, तो अभी के लिए वो नहीं करेंगे। अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, अब मुझे तुम लोगों को कुछ पूछना है। देखो यहाँ पे जब मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, वॉल्यूम कम हो रहा है, वो करेक्ट है। अब मैं जब वर्क गैस के ऊपर कर रहा हूँ, गैस की एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? व्हेन वर्क इज डन ऑन द गैस, एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? इंक्रीजेस, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो देखो एक वर्क का टाइप रहता है कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन मतलब मैं गैस को कंप्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है। मुझे बताओ वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव लिखोगे या कम नेगेटिव लिखोगे? वॉल्यूम जब मैं कम कर रहा हूँ गैस के ऊपर, वर्क डन हो रहा है, गैस की एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, तो वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? कुछ लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, 50-50 आंसर आ रहे हैं। तो वर्क डन इज, सोचो जरा, गैस के ऊपर वर्क हो रहा है एंड गैस के ऊपर अगर वर्क हो रहा है और गैस की एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए? हाँ, अभी ज्यादा लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है, तो एनर्जी अगर बढ़ेगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस है। मैं इसके ऊपर वर्क डन कर रहा हूँ ना, तो वर्क डन अगर करूंगा तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। एंड जब एक्सपांशन हो रहा है, जब एक्सपांशन हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब मुझे बताओ वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए गैस पिस्टन को उठा रहे हैं, पिस्टन को उठाते वक्त, हाँ अभी तुम लोगों के आंसर डायरेक्ट आ रहे हैं, तो तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, पिस्टन को उठाना है ना मुझे, तो पिस्टन को उठाने के लिए गैस वर्क करेगा, गैस वर्क अगर करेगी तो गैस की एनर्जी कम, एंड गैस की एनर्जी कम हो रही है, तो करेक्ट बोल रहे हो, वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए। ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो तो अब एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लो। अ गैस इज कंप्रेस्ड एट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 5 एटमॉस्फेयर फ्रॉम 10 लीटर टू 2 लीटर, फाइंड वर्क डन इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तुम लोगों को मुझे वर्क डन से एंड बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस्ड वर्ड दिख रहा है तुम लोगों को, तो कंप्रेशन में वर्क डन क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखो जरा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है क्या? हम लोगों का फॉर्मूला ऊपर ही है, मैं तुम लोगों को फॉर्मूला नीचे वापस लिख के दे देता हूँ। डब्ल्यू इज नथिंग बट, डब्ल्यू इज नथिंग बट पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है, तो आंसर निकालने की कोशिश करो। ओके, तो सबको पक्का पॉजिटिव में आंसर आ रहे हैं, जरा अच्छे से देखो, सबको अच्छे से ट्राई करना है, वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं चेक करना। ओके, तो चलो देखते हैं, ये प्रेशर है अपना, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर हो गया, ये हम लोगों का इनिशियल वॉल्यूम था, इसे हम लोग बोलेंगे V1, एंड ये हम लोगों का फाइनल वॉल्यूम है जिसे हम लोग बोलेंगे V2, ठीक है। W इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे आता है, ठीक है। अब फाइनल माइनस इनिशियल अगर हम लोग करेंगे तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू है तुम लोगों की 5 एटमॉस्फियर इनटू ब्रैकेट, फाइनल वॉल्यूम कितना था 2 लीटर, माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना था 10 लीटर, बाहर यूनिट आएगा लीटर, तो वर्क डन कितना हुआ 5 × 2 − 10, आई गेस -8 होता है, इसका यूनिट बन जाएगा लीटर एटमॉस्फेयर, सब जन जूल्स में आंसर सेंड कर रहे थे, ठीक है, तो जरा यूनिट्स के ऊपर भी फोकस किया करो,
सबके आंसर जूल में थे, विच इज नथिंग बट -40 लीटर एटमोस्फियर। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन का यूनिट रहता है लीटर एटमोस्फियर, ठीक है, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन हो रहा है एंड विच इज -40 लीटर एटमोस्फियर। तो ये तो अपने लॉजिक से उल्टा है। मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन लॉजिक, याद रखना थर्मोडायनेमिक्स पूरी तरह से लॉजिक के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड अब हम लोगों ने जब सोचा कि भाई गैस कंप्रेस हो रही है, गैस कंप्रेस हो रही है तो वर्क हो रहा है गैस के ऊपर, तो गैस की एनर्जी बढ़नी चाहिए, एंड गैस की एनर्जी बढ़नी चाहिए तो वो पॉजिटिव, बट हमारा फॉर्मूला नेगेटिव दे रहा है, तो और कुछ नहीं है। हम लोगों को ये जब रियलाइज हुआ तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला में माइनस अटैच कर दिया, कंप्लीटली बेस्ड ऑन लॉजिक। यहाँ पे डेरिवेशन की बात आती नहीं है, तुम लोग बोलोगे सर डेरिवेशन में नहीं था, चलेगा, हम लोग ये पूरी तरह से लॉजिक के ऊपर बेस्ड ऑन रखने वाले हैं। डेरिवेटिव प्रूफ नहीं है यहाँ पे। देखो मैंने तुम लोगों को सबसे पहले ही बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों को डेरिवेशन के ऊपर कुछ फोकस करना ही नहीं है, जो कुछ है वो लॉजिक के थ्रू ही देखना है। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला तुम लोगों का फाइनली बन जाता है -P external delta V। ठीक है, वर्क डन बाय द गैस नहीं है, वर्क डन ऑन द गैस। हाँ, ये माइनस साइन हमेशा रहने वाला है। अब याद रखो, तुम लोगों को ये ऐसे याद रखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। कंप्रेशन हुआ पॉजिटिव, एक्सपांशन हुआ नेगेटिव, ये हम लोगों को अगर समझ में आने लग गया तो ये माइनस साइन की भी हम लोगों को कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन लिख दो। एंड अब बहुत सारे लोगों ने मुझे आंसर भेजा था जूल्स में, ठीक है, तो अब मुझे बताओ अगर आंसर जूल्स में पूछ रहे हैं, ठीक है, अगर आंसर जूल्स में, मतलब तुम लोगों को पता है कि वर्क डन का यूनिट होता है जूल्स, बट यहाँ पे हम लोगों को यूनिट आ रहा है लीटर एटमॉस्फेयर, तो ये भी नहीं चाहिए अपने को। तो अभी हम लोगों को लीटर एटमॉस्फेयर को जूल्स में, ठीक है, हाँ, अरे ये सब बोर्ड्स में आ रहा है, मैं तुम लोगों को बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू ही पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी। तो अब हम लोगों को लीटर एटमॉस्फेयर को जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो यूनिट कन्वर्जन क्या है? ठीक है, तो व्हाट इज द यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, तो अब याद रखना 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट 101.3 जूल्स। अभी आया कैसे वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो पहली बात, मतलब तुम लोगों को वर्क डन का यूनिट पता रहना चाहिए। वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या रहता है? तो फोर्स का यूनिट रहता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये कैसे बन जाएगा? तो मास का यूनिट होता है kg इनटू एक्सेलरेशन का यूनिट रहता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब वर्क डन ये किसमें आ जाएगा? तो वर्क डन का यूनिट हो जाएगा kg इनटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों का बेसिक यूनिट है वर्क डन का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग जूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब तुम लोगों को लीटर एटमॉस्फेयर ये सारी चीजों को इसमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहली बात, मतलब सिंपली फोर्स को न्यूटन बोलो। ठीक है, फोर्स को न्यूटन बोलो एंड डिस्टेंस को मीटर, तो न्यूटन मीटर, ये भी एक वर्क डन का यूनिट है। सबको समझ में आ रहा है? देखो केमिस्ट्री में तुम लोगों को यूनिट्स के ऊपर ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, बट स्टिल यू शुड नो हाउ दे आर कन्वर्टेड। ठीक है, तो हम लोगों को इसे न्यूटन मीटर मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे करेंगे? तो पहली चीज, मैंने तुम लोगों को सारे यूनिट कन्वर्जन पढ़ाया, अब इसके लिए कौन से यूनिट कन्वर्जन हम लोगों को रिक्वायर्ड है वो बता रहा हूँ। तो यूनिट कन्वर्जन, 1 लीटर इज 10^-3 मीटर क्यूब, ये तुम लोगों को पहला यूज करना है। ठीक है, 1 लीटर इज 10^-3 मीटर क्यूब, ये तुम लोगों को यूज करना है। एंड दूसरा जो तुम लोगों को यूनिट कन्वर्जन यूज करना है, वो यूज करना है 1 एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट 1.01325 भी आगे आता है, बट उतना हम लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है, इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो तुम लोगों को यूज करना है एंड ये डिराइव करना है। मैंने तुम लोगों को पूरा स्पून फीड करके दे दिया है,
सिर्फ अभी खाने का काम तुम लोगों को कर रहा है। तो ये यूनिट कन्वर्जन कैसे आ रहा है वो खुद सोचना बाद में आराम से, ठीक है। अज्यूम ये ऐसे समझ लो कि ये होमवर्क के लिए तुम लोगों को मैंने दे दिया है असाइनमेंट, ठीक है। तो ये कैसे होगा वो सोच लो, तुम लोगों को पूरा मैंने डेटा तो दे ही दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब और एक क्वेश्चन लेते हैं फिर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। बोलो अक्षय, क्या डाउट है आपका? तुम लोग यूनिट्स कैसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स ऐसे भी लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ करेक्ट बोल रहे हो अक्षय, जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं दैट इज बाय पिस्टन, मतलब पिस्टन से हम लोग वर्क डन करने वाले। ये एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? अरे ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो प्रेशर का है, हम लोग जो प्रेशर अप्लाई करने वाले वो है। ओके अक्षय आप जो बोल रहे हो करेक्ट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, नो डाउट आप जो बोल रहे हो करेक्ट है कि हम लोगों की एनर्जी माइनस हो रही है, बट यहाँ पे हम लोग गैस के ऊपर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो गैस के ऊपर फोकस जब करेंगे तो गैस के साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। यस अर्णव करेक्ट बोल रहे हो। अब और एक क्वेश्चन लेते हैं, अ गैस इज एक्सपांडेड एट अ कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.2 एटमॉस्फेयर फ्रॉम 1 लीटर टू 11 लीटर, फाइंड वर्क डन इन ए लीटर एटमॉस्फेयर एंड बी जूल्स सी किलो जूल। अब किलो जूल तो बहुत बच्चों वाली चीज हो गई बट स्टिल, ठीक है। चलो करो, तुम लोगों को सिंपली इतना ही याद रखना है, W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स ये बहुत इजी चैप्टर है, इसको अननेसेसरी ज्यादा डिफिकल्ट मत करो। फिजिक्स के साथ जितना तुम लोग कोरिलेट करते जाओगे उतना ये डिफिकल्ट होते जाएगा, तो वैसे मत करना। माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, मैंने क्यू बोला क्या? क्यू बोला होगा तो वो गलती से होगा। अब पी एक्सटर्नल यहाँ पे तुम लोगों को कितना दिख रहा है, तो ये तुम लोगों को 0.2 एटमॉस्फेयर दिख रहा होगा। ये था तुम लोगों का इनिशियल वॉल्यूम, ये था तुम लोगों का फाइनल वॉल्यूम। तो पी एक्सटर्नल हो गया 0.2, इनिशियल वॉल्यूम था 1 लीटर, सॉरी V2 - V1 याद रखना। हम लोग कभी भी चेंज लेंगे तो कैसे लेंगे, V2 - V1। तो V2 क्या है, 11 है, माइनस 1 इसका यूनिट हो जाएगा लीटर एटमॉस्फेयर। तो व्हाट यू विल गेट, माइनस 0.2 इनटू 10 लीटर एटमॉस्फेयर, तो आंसर विल बिकम 2 लीटर एटमॉस्फेयर। देख माइनस 2 लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो कुछ लोगों ने प्लस में आंसर सेंड किया था, अब याद रखो एक्सपांडेड है, एक्सपांशन में वर्क डन जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा। गाइज मुझे आंसर्स बहुत कम आ रहे हैं, मतलब ऐसे इतने इजी क्वेश्चन के लिए तुम लोग बहुत टाइम ले रहे हैं वैसे मुझे लग रहा है, ठीक है। अब जूल्स में अगर कन्वर्ट करना है तो जूल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसे हम लोगों को जूल्स में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 101.3 और ये जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यू विल गेट माइनस 202.6 जूल्स, ठीक है। एंड अगर इसको ही किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो इट विल बिकम -0.2026 किलो जूल्स, जिसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे -0.2 किलो जूल, साइंटिफिक नोटेशन,
ठीक है, या फिर माइनस 202.6 किलो जूल, ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है, सॉरी इंटू 10^-3 किलो जूल्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। चलो लिख दो ये। इस पर और क्वेश्चंस चाहिए या तुम लोगों को समझ में आ गया है? हर एक को, मतलब किसी को भी अगर डाउट होगा तो हम लोग और एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एंट्रेंस बेस्ड मत पूछना प्लीज, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, जब एंट्रेंस के लेक्चर्स होंगे तब हम लोग वैसे करेंगे, ठीक है। ओके, अब और एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, जिस किसी को जूल्स और किलो जूल्स में डिफिकल्टी थी, देख लो, 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल्स, ठीक है, 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल्स। तो अभी हम लोगों को इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, विच इज नथिंग बट 10^3 जूल्स, ठीक है। अभी हम लोगों को 1 जूल चाहिए, तो 1 जूल मतलब कितना हो जाएगा, तो ये 10^3 नीचे आ जाएगा, तो 10^-3 किलो जूल्स, ठीक है। और एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, अ गैस इज एक्सपांडेड एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर फ्रॉम वॉल्यूम 2 लीटर्स टू 7 लीटर्स, फाइंड वर्क डन इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो चलो ये करो और जल्दी जल्दी मुझे आंसर करो, सब जन आंसर भेजेंगे। माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है और फास्ट आंसर सेंड करो। ओके साहिल, करेक्ट आंसर है, सब स्टूडेंट्स आंसर सेंड करो। तुम लोगों को सेम पहले जैसा ही है, लीटर एटमॉस्फेयर, बाद में जूल्स एंड थर्ड किलो जूल्स, ठीक है। अभी के लिए सबजन मुझे लीटर एटमॉस्फेयर का आंसर सेंड करेंगे, वही मुझे देखना है, सबके आंसर करेक्ट है। सोम पाठक, मीशा, अश्वत, जेट, सोमिल, प्रणव, कार्तिक, अर्णव, ओम, आदित्य, ओके, बहुत लोगों ने आंसर सेंड किया और सबके आंसर करेक्ट है, वेरी नाइस। तो कुछ लोगों ने पॉजिटिव आंसर सेंड किया है, तो प्लीज पॉजिटिव नहीं आएगा यहाँ पे, ये मिस्टेक मत करो साइंस की। देखो एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेयर, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 2 लीटर, फाइनल वॉल्यूम कितना है, 7 लीटर, तो क्या हो जाएगा, -2 × 7 - 2 लीटर एटमॉस्फेयर, तो हो जाएगा -10 लीटर एटमॉस्फेयर। इसको जूल्स में कन्वर्ट करना होगा, तो -10 × 101.3 जूल्स, विच इज नथिंग बट -1013 जूल्स। इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो -1.013 किलो जूल्स, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया अभी वर्क के ऊपर डिस्कशन। सबको अभी भी अगर किसी को भी डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो, ठीक है। वर्क डन में एक्सपांशन कंप्रेशन, ओके चलो अब आगे जाते हैं, एंड अभी हम लोग देखने वाले हैं रिवर्सिबल वर्क डन, ठीक है। आज मुझे कुछ भी करके रिवर्सिबल वर्क डन कंप्लीट करना है, तो ये करने के लिए तुम लोग अगर कॉपरेट करोगे तो ज्यादा फास्ट होगा, तो रिवर्सिबल वर्क डन, ठीक है। पहली बात, रिवर्सिबल वर्क डन एक स्टेप में होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होगा, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होगा, ठीक है। याद रखो रिवर्सिबल वर्क डन इज कैरिड आउट इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल होगा, क्या लगता है, रिवर्सिबल वर्क डन में प्रेशर सेम रहेगा या चेंज होते रहेगा? तो यहाँ पे वेरिएबल प्रेशर इज ऑब्जर्वड, ये कैसे होता है वो मैं तुम लोगों को वापस एक्सप्लेन तो करने ही वाला डायग्राम के फॉर्म में, बट वेरिएबल प्रेशर रहता है, ठीक है, मतलब प्रेशर बार बार चेंज होते जाएगा। अब मुझे बताओ वर्क डन इज वॉट, वर्क डन, वॉट अबाउट वर्क डन, ठीक है, वॉट अबाउट वर्क डन, वर्क डन कैसे रहने वाला है इसमें,
तुम लोग ही आंसर करो, तुम लोगों को ही अच्छा लगेगा। वर्क डन, अरे वैसे नहीं, वर्क डन का फॉर्मूला नहीं, मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे रहने वाले है? इंटीग्रेशन ऑफ DW बराबर है। तो यहाँ पे मुझे जो आंसर चाहिए वो कोई भेज रहा नहीं है यहाँ पे। हाँ किसी ने तो भेज दिया, आई गेस मंदार, मंदार ने भेजा, और उसके बाद अभी आयुष ने भी भेजा। तो वर्क डन मैक्सिमम रहता है ओवर हियर, मैक्सिमम वर्क डन इज कैरिड आउट, मैक्सिमम वर्क डन इज कैरिड आउट। ठीक है, तो मुझे बताओ तुम लोगों को कौन सी प्रोसेस अच्छी लगेगी, जहां पे मैक्सिमम वर्क डन तुम लोगों को मिलेगा या मिनिमम वर्क डन मिलेगा, कौन सी प्रोसीजर तुम लोगों को अच्छी लगेगी? देखते हैं, लॉजिक सब कुछ लॉजिकल है। ठीक है, तुम लोगों को, अरे ये तुम लोगों की बात नहीं है, तुम लोगों को ये काम कराने नहीं बोलने वाले, मिनिमम बोलने वालों, तुम लोगों को ये काम करने नहीं बोलने वाले। समझ लो तुम लोगों ने एक मशीन खरीदी, ठीक है, अज्यूम कर दे तुम लोगों ने एक लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप में i7 का प्रोसेसर है। अब तुम लोग i7 प्रोसेसर क्यों लेते हो? मैक्सिमम वर्क डन मिलने के लिए ना, कि भाई एकदम स्मूथ काम होना चाहिए, सब कुछ अच्छे अच्छे से होना चाहिए। अब मुझे बताओ तुम लोगों ने एक लैपटॉप लिया i7 है, बट उसकी वर्किंग i3 जैसी है, उसका प्रोसेसर i3 से भी खराब चल रहा है, मतलब उसमें मिनिमम वर्क डन हो रहा है, तुम लोगों को अच्छा लगेगा क्या? तो नहीं लगेगा। तो अपने को मिनिमम वर्क डन नहीं चाहिए, अपने को मैक्सिमम वर्क डन चाहिए। समझ में आ रहा है? प्रोसेस अपनों को कौन सी अच्छी लगेगी? मैक्सिमम वाली। ठीक है, तो हाँ तब पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो हाँ ठीक है, अभी तुम लोग i9 खरीदना चलेगा। अब तो लेट स्टार्ट विथ रिवर्सिबल वर्क डन। पहली बात, मतलब डायग्राम हमेशा आती है, ठीक है, एग्जाम में कोई ड्रॉ करने नहीं बोलेगा। हाँ बाय द वे, अभी जो हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, इट इज नॉट नॉट आस्किंग एग्जाम, ठीक है, ये डेरिवेशन एग्जाम में आती तो नहीं है, बट स्टिल अगर आ गई, कौन सी एग्जाम? बोर्ड्स की एग्जाम। ठीक है, तुम लोगों को मैं एंडिंग में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा कि कौन से इस पे क्वेश्चन आते हैं और कौन से इस पे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, अब सबसे पहले बाहरी प्रेशर था पी एक्सटर्नल, अंदरूनी प्रेशर था पी इंटरनल, जिसे हम लोग बोलेंगे कैपिटल पी, सिर्फ पी। गैस का प्रेशर, गैस भी तो खुद प्रेशर जनरेट करती है, ये अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब हाँ ये एक छोटी सी डेरिवेशन, डेरिवेशन नहीं बोल सकते, इसमें इंटीग्रेशन आने वाला है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को ही हम लोग डर के डेरिवेशन समझ लेते हैं, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे तुम लोगों ने एक छोटा सा मास रख दिया, धीरे धीरे वर्क डन होने वाला है। ठीक है, मुझे बताओ पिस्टन नीचे जाएगा, पिस्टन नीचे जाएगा, तो इसमें एक छोटा सा मास ऐड किया, इस छोटे से मास को जब मैंने ऐड किया प्रेशर बढ़ेगा, उस प्रेशर को मैं DP बोलूंगा तो चलेगा? मास जब मैं बढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा तो मैं इसको DP बोल रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा तो थोड़ा सा वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम चेंज होगा उसे मैं DV बोलूंगा। देखो हम लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया क्या है ना, वही समझ में नहीं आता, तो वो यहाँ पे समझ के लेना है। देखो थोड़ा सा वॉल्यूम, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा दिखा रहा हूँ, बट स्टिल थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हुआ, ऐसे हम लोग अज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हुआ, आई गेस मैंने इतना ही दिखाया। देखो ये पहली लिमिट थी इधर, ठीक है, एंड ये नीचे वाली लिमिट है, दिख रहा होगा। तो ये छोटा सा जो चेंज है इसे मैं बोलूंगा DV। ठीक है, एकदम इसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइटिजिमल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, एंड अब मुझे बताओ थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से जो थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हुआ उसके वजह से जो वर्क डन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलेंगे अभी DW। ठीक है, वेरी नाइस, समझ में आ रहा होगा। अब ये प्रोसेस हम लोग बार बार करेंगे, ये यहाँ पे एक रख दिया था तो वापिस मैंने यहाँ पे एक रख दिया। ठीक है, पहली बात हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, जो टेक्स्ट बुक रीड करते वक्त बहुतों को इसमें तकलीफ होती है। ठीक है, मुझे बताओ ये गैस है, ये पिस्टन है, ये पहले एकदम शांति से था, मुझे बताओ बाहर का प्रेशर और गैस का अंदर का प्रेशर सेम थे या डिफरेंट थे? बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम था या डिफरेंट था? पिस्टन हिल नहीं रहा है, ठीक है, पिस्टन इधर का इधर ही है, अच्छे से सुनो, यहाँ पे बाहर की तरफ 1 एटमोस्फेयर प्रेशर है और अंदर की तरफ अब मुझे नहीं पता कितना प्रेशर है, बट पिस्टन
जहां पे है वहां पे ही है, तो दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है, पिस्टन हिल नहीं रहा है तो दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है, दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड है, याद रखो ये इनिशियल कंडीशन थी, दिस वॉज माई इनिशियल कंडीशन, एंड इनिशियल कंडीशन पे मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि गैस का प्रेशर और ये बाहर का प्रेशर दोनों सेम थे, फॉलो हो रहा होगा सबको, इनिशियली दोनों के दोनों बैलेंस्ड थे, बाद में मैंने उंगली की, मैंने उंगली क्या की, मैंने ऊपर एक छोटा सा वेट पुट कर दिया जो कि था डीपी, अब मुझे बताओ डीपी चेंज कर दिया तो पिस्टन थोड़ा सा नीचे आया, अब मुझे बताओ ये थोड़ा सा ही नीचे आएगा कि ऐसे ये नीचे 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 आते ही रहेगा, अब मुझे बताओ थोड़ा सा नीचे आएगा बराबर, ये एकदम थोड़ा सा नीचे आया, तो मुझे बताओ इनिशियली दोनों इक्वल थे, अब बाहर का प्रेशर मैंने बढ़ा दिया, बाहर का प्रेशर मैंने सेकंड स्टेप में कितना किया था, तो बाहर का प्रेशर मैंने किया था पी एक्सटर्नल प्लस डीपी, बाहर का प्रेशर मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, जब मैंने प्रेशर बढ़ाया तो ये थोड़ा सा नीचे आया बट बाद में ये रुक गया ना, अब मुझे बताओ यहां पे अगर ये रुक गया, देखो पहले ज्यादा था प्रेशर बढ़ाया थोड़ा सा नीचे आया और रुक गया, जिस पॉइंट पे रुक रहा है अंदर का गैस का प्रेशर और बाहर का प्रेशर एयर का सेम हो गए या डिफरेंट हो गए, जिस पॉइंट पे ये नीचे आके रुक गया सेटल डाउन हो गया, हाँ देखो आप पहले ये ऊपर था मैंने वेट बढ़ाया थोड़ा नीचे आया और बाद में ये रुक गया, जिस पॉइंट पे रुका दोनों नीचे का प्रेशर और ऊपर का प्रेशर सेम रहेंगे डिफरेंट, तो दोनों अभी सेम हो जाएंगे, वेरी नाइस, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि ये सेकेंड स्टेप में गैस का अंदर का प्रेशर, ठीक है, गैस का अंदर का प्रेशर हैज बिकेम पी एक्सटर्नल प्लस डीपी, मेरी भावनाएं पहुंच रही है ये समझने में, मतलब ये नहीं समझता, मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को यही सेम डाउट मुझे बार बार पूछते हुए देखा है, ठीक है, तो वापिस एक बार बता रहा हूं जिस किसी को डाउट होगा, देखो पहले ये शांति से सुकून से जी रहा था, मैंने इसकी जिंदगी खराब की ऊपर एक छोटा सा वेट ऐड करके, अब वेट ऐड किया तो पिस्टन थोड़ा नीचे आया बट बाद में आके ये रुक गया, तो रुका मतलब क्या, तो ये बाहर वाला प्रेशर और गैस का अंदर का प्रेशर ये इक्वल हो गए, इक्वल हो गए मतलब क्या, तो अंदर का गैस का प्रेशर ये पी एक्सटर्नल प्लस पी डीपी हो गया, हाँ गैस का प्रेशर बढ़ते जा रहे, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो मीत, अरे मेरी भावनाएं पहुंच रही है, तो वापस ये हम लोग बार बार करते जाएंगे, अभी ये ऐसे बार बार करते जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, हर एक में छोटा छोटा वर्क डन होते जाएगा, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, ठीक है, अब यहां पे हम लोग वर्क डन थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं सो दैट, या फिर प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं सो दैट वी विल गेट मैक्सिमम वर्क डन, हम लोगों को किसी भी चीज से मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, ठीक है, वो गैस की जिंदगी खराब करनी, काम करते करते उससे पूरी एनर्जी निचोड़ लेनी है, ठीक है, तो तुम लोगों ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके वर्क डन बढ़ाते गए, थोड़ा थोड़ा करके मास बढ़ाते गए, ठीक है, एंड ऐसे कुछ, ठीक है, तो हाँ दैट गैस इज बेसिकली यू गाइस, ठीक है, थोड़े थोड़े एमसीक्यू सॉल्व करने बोलते हैं, 50-50 एमसीक्यू सॉल्व करो दिन के, तो तुम लोगों से भी मैक्सिमम आउटपुट निकलना चाहिए ना, तुम लोगों की भी जिंदगी खराब, ठीक है, तो वैसे तो अब गैस के ऊपर बहुत सारा प्रेशर बढ़ गया, व्हाट इज डीपी, अरे डीपी मतलब स्मॉल, डी हम लोग कभी भी अटैच करते हैं ना याद रखना, डेल्टा मतलब लार्ज चेंज, लार्ज चेंज, एंड डी मतलब स्मॉल चेंज, ठीक है, तो डीपी मतलब छोटा सा प्रेशर बढ़ा दिया, ऐड किया, ठीक है, तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा वर्क डन मिलते गया, अब इनिशियल कंडीशन ये थी एंड ये हो गई हमारी फाइनल कंडीशन, ठीक है, फाइनल, अब इनिशियली वॉल्यूम था समझ लो V1, इनिशियली वॉल्यूम था V1 एंड फाइनली वॉल्यूम था V2, ठीक है, यहां तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अब इस पूरे प्रोसेस में
इस पूरे प्रोसेस में हम लोगों ने डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा वर्क डन करते गए, तो इसमें हम लोगों को मिलने वाला है मैक्सिमम वर्क डन। इस पूरे प्रोसेस में हम लोगों को मिलने वाला है मैक्सिमम वर्क डन, एंड इस मैक्सिमम वर्क डन को हम लोग कैसे काउंट करेंगे, बाय एडिंग दो स्मॉल चंक्स, ठीक है। एंड हम लोगों को अगर लाइफ में कोई चीज ऐड करनी है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐड करनी है, तो हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग डी डब्ल्यू फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम वी वन टू फाइनल वॉल्यूम वी टू, ठीक है। देखो ये इतना ही पार्ट तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में थियरी में लिखा हुआ रहता है, तो हम लोगों को ये समझने में ही बहुत डिफिकल्टी जाती है, ठीक है। तो ये आई गेस तुम लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अरे भाई मैक्सिमम वर्क डन, ओके देखो मैक्सिमम वर्क डन क्यों, जब हम लोग कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल करते हैं, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो मैक्सिमम वर्क डन होता है, ठीक है। आई गेस आप लास्ट टाइम के लेक्चर में नहीं थे, ठीक है, कल का लेक्चर एक बार देख लेना, कल के लेक्चर में हम लोगों ने मैक्सिमम वर्क डन का कंसेप्ट क्या रहता है वो समझ लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे डी डब्ल्यू का फॉर्मूला तो बच्चे बच्चे को पता है, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या रहता है, तो W का फॉर्मूला इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, तो DW का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल DV, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा चेंज ना, डेल्टा के बदले DV, ठीक है। तो ये यहाँ पे पुट करते हैं, विच इज नथिंग बट W max इज नथिंग बट माइनस, बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v1 वन टू वी टू, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, पी डी वी सॉरी पी एक्सटर्नल डी वी, ठीक है। अब हम लोगों को पी एक्सटर्नल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड इसके लिए मैंने ये तुम लोगों को बताया था, ठीक है। तो देखो पी एक्सटर्नल, सिंस पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू, ये डीपी उस तरफ लेके जाओ, तो पी माइनस डीपी, समझ में आ रहा होगा, देखो अभी सब कुछ डेरिवेशन है, ठीक है। तो P माइनस डी वी, तो ये P माइनस डी वी ऊपर हम लोग सब्सिट्यूट करते हैं, P एक्सटर्नल की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी, W मैक्स इज नथिंग बट माइनस V1, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू VT, V2 P माइनस DP इंटू DV, ठीक है। देखते तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, अभी कुछ क्वेश्चंस मत करो, सिर्फ लिखते जाओ, डेरिवेशन देखते जाओ, ठीक है। ये डेरिवेशन भी नहीं बोल सकते हम लोग, एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे dv को अंदर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल हैपन, v1 टू vt v2 pdv माइनस dpdv, समझ में आ रहा होगा। अब dp भी छोटा dv भी छोटा, समझ लो कि प्रेशर चेंज जो मैंने किया वो 0.01 किया, 0.01 एटमॉस्फेयर प्रेशर मैंने बढ़ा दिया, एंड उसकी वजह से वॉल्यूम जो चेंज हुआ वो 0.01 मिलीलीटर या फिर लीटर का आया। अब इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 0.0001, एंड इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेटली जीरो बोल देंगे। तो दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो दिस थिंग इज निग्लेक्टेड, निग्लेक्टेड मतलब क्या, तो अप्रोक्सीमेटली जीरो ले लिया, ठीक है। तो इसको भगा दो, तो जिस किसी ने मुझे पूछा था कि डीपी दिया होगा ना सर, तो डीपी देने ही नहीं वाला है कोई हम लोगों को, क्योंकि हम लोग उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं कि कुछ नहीं चलता है, ठीक है। तो डब्ल्यू मैक्स इज नथिंग बट माइनस वी वन टू वी टी वी टू पी डी वी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। तुम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ, जो कोई नॉन मैथ स्टूडेंट्स है उनको भी इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत पता रहेगा, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ाया ही होगा। तो तुम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx पढ़ा है, ठीक है। हाँ प्रणव करेक्ट बोल रहे हो, हम लोग pdv इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, हम लोग pdv इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। जो कोई डायरेक्ट आंसर दे रहा है प्लीज आंसर मत दो। यहाँ पे देखो एक्स dx क्या होता है, तो एक्स dx हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई टू,
करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है, बट तुम लोग जिस डीएक्स से, जिस स्मॉल क्वांटिटी से इंटीग्रेट करते हो उसका फंक्शन भी वही होना चाहिए, दोनों का फंक्शन सेम होना चाहिए एक्स, बट यहाँ पे एक तरफ फंक्शन है वॉल्यूम और एक तरफ फंक्शन है प्रेशर। मुझे बताओ जब ये प्रेशर दोनों डिफरेंट, मतलब फंक्शन दोनों डिफरेंट रहते हैं, हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे क्या? तो इसे हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, हमें प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? अपने पास एक मस्त इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो पी इज इक्वल्स टू, सॉरी हम लोगों को पी की वैल्यू चाहिए ना वॉल्यूम के टर्म्स में, तो पी इज इक्वल्स टू एनआरटी अपॉन वी, गेटिंग इट? अब ये यहाँ पे पुट कर दो, तो व्हाट आई विल गेट, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेटिंग फ्रॉम वी वन टू वी टू एन आर टी अपॉन वी डी वी, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ये चेंज होने वाले है क्या? बिल्कुल नहीं होने वाले। आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, ये बिल्कुल नहीं होने वाले। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, तो इंटीग्रेट करते वक्त हम लोगों को वापस प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक काम करते, जुगाड़, लेट्स अज्यूम रिवर्सिबल प्रोसेस इज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है मतलब क्या हो जाता है? आइसोथर्मल कंडीशन। तो आइसोथर्मल कंडीशन ले लेते हैं, आइसोथर्मल कंडीशन अगर होगी तो हम लोग टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट बोल देंगे। तो सिंस एन आर एंड टी आर कॉन्स्टेंट, तीनों के तीनों कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो जो जो चीजें कॉन्स्टेंट है उनको बाहर निकाल लेते हैं। डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी इंटीग्रेशन फ्रॉम वी वन टू वी टू वन अपॉन वी डी वी। अब मुझे बताओ, अरे सही बोल रहे हो, वेरी नाइस। अब मुझे बताओ, अरे हाउ कैन वी अज्यूम, ये हम लोगों ने ऐसे ही किया है, ये कैलकुलेशन हम लोगों ने ऐसे ही किए हैं। तो मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है? वेरी नाइस, जिस किसी ने आंसर दिया है करेक्ट बोला है, इट बिकम्स ln ऑफ एक्स। कुछ लोग माइनस वन अपॉन वी का स्क्वायर बोल रहे हैं, विच इज रॉन्ग, ये एक बार अच्छे से सोचना ये क्यों रॉन्ग है, ठीक है, बट इट इज ln ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो w max इज नथिंग बट माइनस एन आर टी ln ऑफ वी फ्रॉम वी वन टू वी टू। याद रखो ये डेरिवेशन तुम लोगों को कोई नहीं पूछने वाला है, थर्मोडायनेमिक्स में डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला तक मैं तुम लोगों को लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग लेक्चर लीव करना स्टार्ट हो गए ये डेरिवेशन देख के, जो कोमा में चले गए, प्लीज मत जाओ, तुम लोगों को डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। एंड जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, वेल एंड गुड, जितना समझ में आए उतना एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है। अब हम लोगों को लिमिट अप्लाई करनी है, तो w max इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी ln ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v2 टू माइनस ln ऑफ, एंड जब कभी log में हम लोग माइनस करते हैं तो वो डिवीजन में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो माइनस एन आर टी ln ऑफ v2 अपॉन वी वन, ठीक है, विच इज नथिंग बट डब्ल्यू मैक्स, मैक्सिमम वर्क डन। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ln क्या है वो पता नहीं हो सकता, तो एक मिनट ln भी क्या है वो देख लेते हैं। ln इज नथिंग बट log टू द बेस e ऑफ x, ठीक है, विच इज नथिंग बट नेचुरल log, ln इज नथिंग बट नेचुरल log, नेचुरल log, ठीक है। अब अगर तुम लोगों को ln ऑफ x को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है, जिसमें हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल है, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, 2.303 log ऑफ x, ठीक है, मतलब log टू द बेस 10 x, ठीक है। ये सारे यूनिट कन्वर्जेंस तुम लोगों को मैथ्स और फिजिक्स में ज्यादा काम आते हैं, केमिस्ट्री में एक आध दूसरी जगह पे काम आएंगे, ठीक है। अब हम लोग पीसीएम या फिर पीसीबी के स्टूडेंट है, तो फिजिक्स तो हमेशा सबको रहता है, तो ये हम लोगों को आने चाहिए। फाइनली वी कैन से डब्ल्यू मैक्स इज नथिंग बट माइनस 2.303 लॉग ऑफ वी टू अपॉन वी वन, ठीक है,
सबको लिखने के लिए मैं टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। जिस किसी के नोट्स बनाना बाकी है। अब हम लोगों ने बॉयल्स लॉ तो पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ ठीक है। अरे शिट, एक छोटी सी मिस्टेक है, 2.303 एनआरटी में लिखना भूल गया था ना, एनआरटी लॉग ऑफ v2/v1 ठीक है। ये तुम लोगों का फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला तुम लोगों को सिर्फ याद रखना है, इतना तो कोई भी याद रख सकता है ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अश्वत करेक्ट बोल रहे हो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ठीक है। तो ये ऐसे कुछ बन जाता है, P1/P2 इज नथिंग बट V2/V1 ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा है गैसीय स्टेट में ठीक है। तो V2/V1 को तुम लोग और एक फॉर्म में लिख सकते हो, विच इज नथिंग बट Wmax इज नथिंग बट -2.303 NRT log of P1/P2। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी ठीक है। तो तुम लोगों को Wmax मैक्सिमम वर्क डन कैरी आउट करने के लिए दो फॉर्मूलाज मिल गए ठीक है। चलो, ये एक ही चीज है जो थोड़ी हेवी है इस चैप्टर में, बाकी कुछ नहीं है ठीक है। तो सबको दिख रहा है ये पूरा, इतना सफिशियंट है क्या, देख लो। एंड यू गाइस कैन जूम ही ना, तो जूम करके देख लेना। क्लास खत्म नहीं हुई है अभी, हम लोगों को थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, एक काम करो, ऊपर का जिस किसी का लिखना बाकी है जरा स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, और उतनी स्पेस छोड़ देना 4-5 लाइंस की। एंड फिर मेन डेरिवेशन लिखना स्टार्ट कर दो जल्दी जल्दी, 5:15 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं सिर्फ, डेरिवेशन कंप्लीट कर दो। ओके, हो गया सबका कि और टाइम चाहिए, जिस किसी का लिखना बाकी होगा बता दो। ओके, कुछ लोगों का बाकी है लिखना, 1 मिनट रुक जाता है, 2 मिनट नहीं 1 ही मिनट। ओके, अगर जिन्होंने मेरे साथ लिखा एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही क्या करो, मुझे भी हेल्प हो जाएगी। ओके, इट्स 5:15 ऑलरेडी, सो लेट्स कंटिन्यू, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ठीक है। 15 मिनट हम लोगों के पास, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। अच्छा, तुम बाकी के लोग एब्जॉर्ब कर रहे थे, ठीक है ठीक है। पूरा हिल गया ऐसे लग रहा है मुझे।
नहीं, आज अभी हम लोग यहाँ पे खत्म नहीं कर सकते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे ना। ठीक है, तो अगेन चलो कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। अ गैस, अ गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम वन मोल ऑफ अ गैस, अ वन मोल ऑफ अ गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम टेन लीटर्स टू टू लीटर्स एट अ एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atmosphere at 27 degrees Celsius. Find work done if A, compression is carried out at compression is carried out at constant pressure and B at reversible isothermal कंडीशन। ठीक है, तो तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर दिखा तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, एंड अगर तुम लोगों को रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंडीशन दिखी तो हम लोग यूज करेंगे मैक्सिमम वर्क डन इज माइनस 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन। फॉर्मूला कब कौन सा यूज कर रहे हैं समझ में आ जाएगा ना। चलो मुझे तुम लोग एट कांस्टेंट प्रेशर वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। बी जिस किसी को डिफिकल्टी आ रही है, देखो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंडीशन जो अभी हम लोगों ने ऊपर भयंकर बड़ा सा फॉर्मूला सॉल्व किया था ना, किधर गया वो, रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल कंडीशन दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सेकेंड बी कंडीशन के लिए। तो चलो आंसर तुम लोगों को जूल्स में फाइंड आउट करना है, आंसर तुम लोगों को जूल्स में फाइंड आउट करना है, एंड जिस किसी को माइनस में आंसर आ रहा है आंसर आपका रॉन्ग है, आंसर प्लस में आना चाहिए बिकॉज कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन में आंसर हमेशा प्लस में आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर जूल्स में मुझे सेंड करो जल्दी जल्दी। तो ए सॉल्व करते हैं, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। ठीक है, तो देखो पी एक्सटर्नल कितना था, पी एक्सटर्नल था पी 2 atmosphere। अच्छा अभी मुझे समझा माइनस वालों ने क्या मिस्टेक की, ये तुम लोगों ने वी वन लिया होगा बट ये तुम लोगों का वी टू है फ्रॉम। ठीक है, सॉरी ये वी वन ही है एंड कहाँ पे जा रहा है तो ये वी टू मतलब फाइनल ये। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा माइनस 2 atmosphere इंटू वी टू कितना था 2 माइनस 10, तो 2 माइनस 10 माइनस 8 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका आंसर आएगा लीटर एटमोस्फेयर में, तो तुम लोगों का आंसर आएगा 2 into 8 विच इज प्लस 16 लीटर एटमोस्फेयर। ठीक है, अब इसको जूल्स में कन्वर्ट करने मैंने बोला था, कुछ लोगों ने कन्वर्ट करके दिया है मुझे, थैंक यू। तो 16 into 101.3 जूल्स। ठीक है, तो 16 3 8, तो 8 बाद में क्या पे पॉइंट 4, 16 3 48, तो 48 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो 0 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया एंड बाद में 16 1 16, ऐसा कुछ आंसर आ रहेगा देखो। ठीक है, ओके सबको आंसर आ गया, नाइस। अब ये तुम लोगों को आया नॉर्मल वर्क डन, अब सेकंड टाइप का वर्क डन देखते हैं बी वाला।
जहां पे तुम लोगों को मैक्सिमम वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस बोला है, कोई तुम लोगों को लिख नहीं देगा कि इसमें मैक्सिमम वर्क डन होने वाला है, तुम लोगों को वो देखना है, पढ़ के समझ में लेना है, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्क डन विच इज -2.303 एन आर टी लॉग ऑफ V2/V1। अब यहाँ पे जरा देखते हैं, नीचे इनिशियली मैंने क्वेश्चन में लिख के दिया था 1 मोल, तो ये एन हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस ये टी हो गया, ठीक है। तो अब -2.303 इंटू एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू लेंगे 8.314, क्यू बिकॉज हम लोगों को आंसर चाहिए जूल्स में, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। टेम्परेचर तुम लोगों को दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, इसे अगर हम लोगों ने यूज किया तो रॉन्ग चले जाएंगे, याद रखना केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में हमेशा टेम्परेचर केल्विन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, तो इंटू 300 इंटू लॉग ऑफ वी टू दिया है 2 अपॉन वी वन दिया है 10, अब इसका आंसर हो जाएगा -2.303 इंटू 1 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू ये हो जाएगा 1/5। अब लॉग ऑफ 1/5 लेते मत बैठना, ठीक है, एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, इसको इनवर्स कर दो तो ये हो जाएगा -log of 5, ये सबको पता है, लॉग में हम लोग जब इनवर्स करते हैं तो आंसर हो जाता है -log of that thing, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो तुम लोगों को वर्क डन डायरेक्ट प्लस में मिल जाएगा और तुम लोगों की लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी, ठीक है। बोर्ड्स में तुम लोगों को लॉग बुक दी जाती है, इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पे कुछ शॉर्टकट नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट नहीं होंगे यूज। इंटू 1 निकाल दो अभी, 8.314 इंटू 300 इंटू लॉग ऑफ 5 तुम लोगों को मिलेगा, लॉग बुक में चेक कर लेना, 0.6990, ठीक है। तो लॉग ऑफ 5 इज 0.6990 एंड अब इस पूरे को सॉल्व करने के लिए एंड तुम लोगों को यूनिट आएगा जूल्स में, ठीक है। तुम लोगों को यहाँ पे कुछ भी अजम्पशन नहीं करना है, तुम लोगों को आज तक इसे 0.7 लेने के लिए बोला गया है, मुझे भी पता है, ठीक है, बट प्रॉब्लम ऐसी है कि ये 0.7 अभी अगर तुम लोगों ने ले लिया तो तुम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन किया, एमसीक्यूज नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम लोगों को एग्जैक्ट आंसर चाहिए बोर्ड्स में, ठीक है। तो इसको हम लोग 0.6699 ही लेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद तुम लोगों को इसका लॉग लेना है। अब इसका लॉग लेने का काम तुम लोगों का होमवर्क में, कैसे करोगे, लॉग ऑफ 2.303 प्लस लॉग ऑफ 8.314 प्लस लॉग ऑफ 300, ये तुम लोगों को आएगा 2.4771, ठीक है, इसका लॉग हो जाएगा 2.4771 एंड प्लस लॉग ऑफ 0.699 एंड इसे ऐड करके फिर तुम लोगों को जूल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सॉरी जूल्स में नहीं, इसको ऐड करना है एंड फिर उस चीज का एंटीलॉग लेना है। याद रखो सबका लॉग क्यू, तो एक सिंपल चीज, बोर्ड्स में तुम लोगों को कैलकुलेशन लॉग के थ्रू बताने हैं, ठीक है। मैंने आज तक तुम लोगों को कभी भी लॉग लेने के लिए मजबूर नहीं किया था, बट अभी हम लोग बोर्ड्स पढ़ रहे हैं तो बोर्ड्स में तुम लोगों को लॉग कैलकुलेशन दिखाने हैं, ठीक है, ओके। तो तुम लोगों को ये सॉल्व करना है, दिस इज फॉर होमवर्क, इसका लॉग ले लो, लॉग की प्रैक्टिस करना, लॉग टेबल यूज करने की प्रैक्टिस तुम लोगों की छूट गई होगी, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन बोर्ड में नहीं रहते, ठीक है, वो एमसीक्यू उसके टाइम पे ही रहते हैं, ओके। अब और किसी को कुछ भी डाउट होगा तो तुम लोग पूछ सकते हो। बाय द वे कुछ लोगों ने मुझे इसका आंसर सेंड किया था एंड इसका आंसर आ रहा है, आंसर देखते हैं, कुछ लोगों ने इसका आंसर कैलकुलेट करके भेजा है मुझे, कैलकुलेटर पे किया होगा, नो डाउट, 1404515.15 जूल्स, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम वर्क डन। तो देखो पहले नॉर्मल वर्क डन कितना था, 1620, मैक्सिमम कितना आया 4015, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्क डन हमेशा ज्यादा रहता है, ठीक है। अब ये तुम लोगों को भी फाइंड आउट करना है, ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया हुआ आंसर होगा, किसी ने मुझे सेंड किया है, ठीक है, ये तुम लोगों को लॉग टेबल के थ्रू फाइंड आउट करना है, दिस इज फॉर होमवर्क। तुम लोगों को होमवर्क के लिए मैं और क्वेश्चंस दे दूंगा,
ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे मंडे को। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। जस्ट अ मिनट अक्षय, अक्षय हैंड रेस करो, अनम्यूट कर दूंगा। पहले रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं अभी।